आज मुंबई के चांदीवली विधानसभा अंतर्गत तकरीबन 1500 जरूरतमंदों रिक्शा ड्राइवरों को रेशन का किट का वितरण किया गया है। डॉक्टर एस अन्नामलाई साकीनाका जरीमरी शिवसेना कार्यालय से। वहीं मुंबई में पिछले ढाई महीनों से शुरू लॉकडाउन में मुंबई थाने धारावी चांदीवली विधानसभा वासी दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में तमिलनाडु केरला कर्नाटका गुजरात के सूरत अहमदाबाद के करीब जनता के बीच रेशन सामग्री पहुंचाने वाले शिवसेना राष्ट्रीय संगठन के डॉक्टर एस अन्नामलाई के प्रयास से अभी भी जारी है। अन्नामलाई के अनुसार जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक सहायता करने का कार्य चलता रहेगा। फैसल खान, मुंबई, टुडे इंडिया न्यूज ब्यूरो। फिलहाल अभी बांट रहे हैं हम लोग, ऑटो रिक्शा ड्राइवर लोग हैं, कम से कम 3 महीना 3.5 महीने से घर में बैठा है, उनको रेशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं निर्णय लिया है, वो तो सबका आशीर्वाद से, एक शिवसेना पार्टी का पिलर का नाता से हम लोग जो विभाग के अंदर कितना भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उनको अभी हम लोग बांट रहे हैं। ये फिलहाल अभी नहीं, स्टार्टिंग से लेके हम लोग पूरा पब्लिक के लिए किधर किधर जरूरी है उधर बांटता है। इधर से धारावी तक है, गोरेगांव, ये सब पूरा एरिया है। पूना में भी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट कमीशन को आई, नासिक है, उधर से ब्रांच का उससे उधर का किधर जरूरी है उधर भी हम लोग उधर बांट रहा है। ऐसा हम लोग तो किधर किधर ब्रांच है सब जगह भी हम लोग पूरा मदद हम लोग चालू है, चालू रहेगा। सर आज जिस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं, आपकी ये जो मदद है ये अगर हम कहें तो राष्ट्रीय स्तर पे करीब करीब 2-4-5 आपने राज्यों को कवर किया है, बड़े पैमाने पे आपने मदद कोरोना पीड़ितों तक पहुंचाया है, तो ये मदद आपकी कब तक जारी रही? जब तक ये कोरोना नहीं उसको खत्म नहीं कर रहा है वो टाइम तक हम लोग पूरा मदद रहेगा। देखिए अभी हम लोग कोरोना को भगाने के वजह से सब पूरा मास्क तक पूरा बांटा है, कम से कम 20-25 हजार मास्क आज तक अभी तक बांटा, और भी बांटने वाला है। देखिए मैं कैसा मास्क पहना, देखो हम लोग शिवसेना पार्टी है उसको जल्दी से उसको कोरोना को भगाएगा उसको। कोरोना को लेकर के राज्य सरकार इतना कमर कस कर के काम कर रही है, उसके बावजूद भी कोरोना को पर अंकुश लगाने के लिए नाकाम साबित हो रही है। मौजूदा समय में 50 हजार के आंकड़े को पार कर गया राज्य सरकार, आप बताइए इसी कैसे किस तरह से मतलब इसको रोका जा सकेगा? शिवसेना पार्टी के बाद विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है। कम हो क्या रहा है, धारा वगैरह सब कम हो गया। पहला क्राउड था हमारा साउथ वाला भी 10x10 का रूम में 10 आदमी 15 बैचलर आदमी लोग रहता है, उसका वजह से कारण का वजह से बढ़ गया है। अभी सब थोड़ा बाहर जाने का शुरू हो गया, अभी साउथ वाला साउथ में भी जा रहा है। अभी हम लोग तो सब आशीर्वाद से कम से कम 3 ट्रेन चला गया चेन्नई के लिए, और एक ट्रेन आज गुरुवाड़ी से जा रहा है विल्लुपुरम के लिए, विल्लुपुरम चेन्नई। ऐसे ही सब जगह पे अभी ट्रेन सब शुरू होने से बस से कार से सब लोग इधर से क्राउड कम हो रहा है, इसका वजह से जल्दी कम होएगा। आपका कहने का मतलब है कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका यही है कि जब भीड़ कम हो जाएगी प्रवासी मजदूरों की तो कोरोना के संक्रमितों के मामले कम आने लगेंगे। नेचुरल है, क्राउड कम रहेगा तो उधर कोरोना कम हो जाएगा, क्यों पब्लिक जास्ती जास्ती स्लम में रहता है, स्लम में रहने से उधर पब्लिक टॉयलेट करना पड़ता है, उसका वजह से उधर कोरोना जास्ती हो रहा है। अभी क्राउड कम होगा तो ऑटोमेटिक है, अभी साउथ में चेन्नई में डेथ कम है, आदमी मरता है वो कम परसेंटेज होता है 0.8 है, मगर उसके लिए उन लोग कबस हो रहे नीर करके उन लोग दे रहा है पीने के लिए, काली पेट से खाने से पहला आधा घंटा का पहला उन लोग 200 मिली 100 मिली उन लोग दे रहा है पीने के लिए गवर्नमेंट, ऐसा वो मैं मंगा रहा है। मेरे हिसाब से कल आ जाएगा मेरा बस कबस और कुड़ी नीर कल आ जाएगा, आने के बाद मैं उत्तर साहब का नाम से मातम से उनके भी उधर बता के उसके बाद हॉस्पिटल है और लोकल एरिया वाइज वो भी सब पब्लिक के लिए पीने के लिए मैं। और भी बड़े बड़े नेता हैं लेकिन जिस प्रकार आपने मदद किया है करीब करीब राष्ट्रीय स्तर पे इतने बड़े पैमाने पे, अभी तक किसी शिवसेना बड़े नेता की इतने बड़े पैमाने की मदद करने का नाम सामने नहीं आया। देखिए अपना अपना ताकत के ऊपर से अपन शिवसेना बोलेंगे तो एक एक पिल्लर सब मिलके शिवसेना पार्टी है, उसका अध्यक्ष है उद्धव साहब, उद्धव साहब ने सबको
मार्गदर्शन किया, सब लोग अपन मदद करना चाहिए। अपन तो बार बार उतो साहब बोलता है 80% सोशल और 20% राजकारण करो, ये उतो साहब हमेशा सांगत ले मतलब। इसलिए हम लोग सब पूरा जास्ती जास्ती उन लोग का अपना अपना एरिया में उनका ताकत के ऊपर उन लोग मदद करता ही। सर आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मुंबई महानगर पालिका की जो अस्पतालों में अव्यवस्था का मतलब आलम है, इतना जोरों से ज्यादा हो गया है कि अब लाशें गायब हो रही है कोरोना संक्रमित होकर, उनके परिवार की भावनाओं को मतलब डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन अनदेखा कर रहा है, आप राज्य की उद्धव सरकार से क्या मांग करेंगे? आप ये सोचिए, सबसे जास्ती पॉपुलेशन महाराष्ट्र में, मेरा 7 लाख है, 13 लाख है, डबल है सब पूरा पॉपुलेशन और क्राउड है, स्लम जास्ती है, वो हिसाब से पूरा ये हो रहा है। अभी उद्धव साहब तो पूरा उसको सबको कंट्रोल में ला रहा है, अभी थोड़ा जल्दी से जल्दी कोरोना का ताकत कम हो जाएगा। टुडे इंडिया न्यूज से बात करने के लिए अन्नामलाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किस प्रकार राशन का वितरण कर रहे हैं जरा हमें भी दिखाइए। पूरा अपना ऑटो रिक्शा का ड्राइवर लोग है उनको सब देने के लिए पूरा है, और भी है जो जरूरत पब्लिक है। हम लोग तो हमेशा स्टार्टिंग से लेके आज तक हम लोग बांट रहा है, उधर खाना बांट रहा है और ये राशन दे रहा है और मास्क दे रहा है, जो जो अपना ताकत के ऊपर है पूरा हम लोग पूरा मदद करता ही है।